दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त रंजन लामा। दोस्तों आज ये मैं दिखा रहा हूँ, ये है ब्लॉक का वेट प्लांट। अब मैं आपको इस प्लांट को नज़दीकी से दिखाऊंगा, इसमें कैसे करके ब्लॉक बनता है। ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे जो है मिक्सर है, उसमें कैसा मिक्स होता है, ये सारे मैं अभी जानकारी आपको दिखाऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों अभी मैं प्लांट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से देखिए कुछ माल इस प्रकार से अंदर को जाता है बेल्ट के जरिए से, देख सकते हैं दोस्तों। सामने में जो एक बेल्ट है उसमें ये गिरता है, देख सकते हैं, ये मीज़ान करके यहाँ पे लोड किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कैसा वहाँ लोड हो किया जाता है। बहुत ही मिट्टी आ रहा है यहाँ पे, इसलिए सही नहीं दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों। उसके बाद जो है ऑपरेटर बेल्ट के जरिए इसको ऊपर ले जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक बेल्ट है, इस बेल्ट के जरिए यहाँ से जो है माल ऊपर पर जाता है, ऊपर जो है मिक्स होता है। मैं अभी आपको ऊपर से भी दिखाऊँगा इसके मिक्सर को। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से बेल्ट में जो है माल ऊपर को जा रहा है। अभी मैं आपको ऊपर से जाके दिखाऊंगा मिक्सर में कैसा ये मिक्स हो रहा है। दोस्तों अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, ये प्लांट है, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, अब बाहर से मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये जो है मिक्सर है, इसमें माल मिक्स किया जा रहा है। मैं अभी आपको अंदर से खुल कर दिखाऊँगा। अब ऊपर से कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से जो है सीमेंट आया जाता है, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं इसके अंदर माल मिक्स हो रहा है। अभी मैं इसके अंदर से भी दिखाऊँगा जो है, देख सकते हो दोस्तों इसका ढक्कन खुल गया, अभी माल इसके नीचे ले जा रहा है। अभी भाई यार भी हमें माल आ चुका है, अभी यहाँ पे डंपर आएगा और इस माल को लेके जाएगा। अभी ये ऑपरेटर जो है इसमें फिर माल भरेंगे। अभी देख सकते हैं दोस्तों जा रहे हैं, अब नीचे से आ रहा है ये कुछ इस प्रकार से। और ये जो है सीमेंट के लिए, ये सीमेंट के लिए आ जाता है, और इसमें सीमेंट पानी और ये खरसान ये दोनों डाला जाता है और रेती डाला जाता है। अभी कुछ देर में दोस्तों मैं आपको इस मिक्सर का जो है मैं अंदर से खोल के पूरा इसको दिखाऊँगा ये कैसा दिखता है। देख सकते हैं दोस्तों नीचे डंपर आ चुका है, अब यहाँ से जो माल लोड करेगा, ये देख सकते हैं यहाँ से अभी माल इसमें चला जा रहा है, कुछ इस प्रकार से माल लोडिंग हो रहा है, देख सकते हैं ये लोड कर रहा है। इसको डंपर कहा जाता है, उसने माल लोड कर लिया, अब वो ले जाएंगे उसको थोड़ा सा में डालेंगे। देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली हो चुका है, ये मिक्सर है, इसमें जो है सारे खरासन मिक्स होता है, और ये मिक्स होने के बाद ये दरवाज़ा जो है ऐसा खुल जाता है, उसके बाद सारे मिक्स खरासन उसमें चला जाता है। देख सकते हैं दोस्तों ये इसका मिक्सर है, इस बेल्ट से होता हुआ यहाँ पे आता है, ये जो मिक्सर है। अभी मैं इसको अभी थोड़ा सा घुमा के दिखाऊँगा कैसा ये इसमें काम करता है, ये दिखाऊँगा अभी आपको। पहले आप ऊपर से देख लीजिए इसका मिक्सर को, देख सकते हैं ब्लॉक का खरासान मिक्स होता है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों अभी हम नीचे चलते हैं, ऑपरेटर से बात करें। ये आ गया अरबी का भाई लेबर, अरबी आ गया, इसमें माल भरना जाएगा गालम में, दूसरे नंबर फिर हो जाएगा, फिर शकूस नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, फिर गालब ऊपर उठेगा ऐसे, बस दूसरे नंबर पे गालब नीचे के ऊपर करके फिर ज़रा आगे जाएगा, फिर दूसरा दग्गा बनाएगा, इससे आगे जाएगा, ये बप्रेशर का आ गया रजाज का, हाँ बप्रेशन का आ गया है। दूसरे नंबर पे ये आ गया, मोटर चेक करने का जल गया, क्या मसला है इसको चेक कर सकते हैं ऐसे करके। ये आ गया एटक मेटक, कहते ये ख़राब हो गया गेयर, तो इससे आगे जा सकता है, ये गेयर इससे आगे और पीछे, इसके पांच गेयर हैं, एक इधर इधर घूमेगा, दूसरा इस तरफ घूमेगा, ये पीछे आएगा, ये आगे जाएगा, हाँ ये आगे चार लीवर, एक आगे अरबी का, एक गालब का, एक ऊपर उठा के इधर उधर घुमाने का, तो तीसरा आगे शाकूस का, चौथा। अभी देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग को ऑपरेटर दिखाएगा ये लाइव अभी कैसा ये दिखाता है।
इसका लगता है, ये इसका अरबिया है, इसमें जो है माल जाता है उसका लोडिंग, इसमें ब्लॉक बनाया जाता है। इस प्रकार से वैसे दिखाऊँ तो आपको देख सकते हैं, इसमें थ्री फेज का लाइन चलता है दोस्तों। अभी देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अभी डंपर माल लेके आया है, वो कैसा डालता है मैं अभी दिखाऊंगा। देख सकते हैं इसमें अभी, इसमें जो देख सकते हैं ये ऊपर है, इस तरह से माल डाला जाता है। भाई साहब ये आप बताएंगे कि ये एक बार में कितना ब्लॉक बनाता है? भाई एक बार 12,000 भी बनता है, 15 भी बनता है, उसके बाद एक बार निकलता है 12 ब्लॉक। दिन भर में बन जाता है 12,000 भी बन जाता है, 13 भी बन जाता है, 14 भी बन जाता है, यानी कि आपका एवरेज 14,000 बन जाता है। हाँ, 14 बन जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक दिन में इनका 14,000 ब्लॉक बन जाता है, कुछ इस प्रकार से ब्लॉक बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ के सुपरवाइजर से बात करेंगे कि यहाँ पे किस किस टाइप से ब्लॉक बनाया जाता है और इनका ड्यूटी आवर क्या होता है और इनका पगार वगैरह क्या होता है, ये सारी जानकारी अभी हम आगे लेंगे। सुपरवाइजर है यहाँ का, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब आपका नाम क्या है? हमारा नाम फजलुर रहमान। फजलुर रहमान, बांग्लादेश? हाँ, बांग्लादेश। तो आप लोग का यहाँ पे किस किस टाइप का ब्लॉक बनता है ये सारे बताएंगे? हाँ बताएंगे, हमारा इधर चार तरफ का ब्लॉक बनता है, बनता है। ये देखिए, ये आजिल है, इसको आजिल बोलता है, इसके अंदर पिलीना है, ये स्टन है, इसको अरबी में पिलीना बोलता है। जी जी, ये 20-48 है मगस, ठीक है। और ये जो है तो इसका दाम कितना होगा? इसका दाम है एक ब्लॉक 3,500 यानी 3,500, 1,000 का दाम 3,500 है। 1,000 का दाम 3,500 है, बोलिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्लॉक आजिल ब्लॉक आ जाता है, इसके बाद दूसरा ब्लॉक भी है हमारे पास। इस ब्लॉक को क्या कहा जाता है, क्या नाम है? ये ब्लॉक 20-48 मेगा है, ये मार्केट में सबसे ज्यादा ये सऊदी लोग का घर बनाने वाला ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक से ज्यादा घर का काम बनता है, घर का जो दिवाली है हर घर का हर काम इससे बनता है। ये मेगा 20-48 है। तो इसका प्राइस कितना पड़ जाएगा? प्राइस है एक पीस 1.5 रियाल यानी 1,500, 1,000 का दाम 1,500 है। 1,000 का दाम 1,500। हाँ। और ये दूसरे वाला ब्लॉक? ये दूसरा वाला ये है 15-48 मेगा से। इसका इससे ज्यादा जो सऊदी में अरबी में जो दरस बोलता है, जो हम लोग जो सीढ़ी बोलता है, सीढ़ी इधर जो माजरा बोलता है हम लोग का तरफ का जमीन, जैसा माजरा का इधर जो वॉल बनता है, बाउंड्री करता है, या सऊदी का घर का बाउंड्री भी इससे कर सकता है, करता है। तो इसका इसका प्राइस भी ऐसा ही है, 1,500 का जो दरज बोलता है, जो सीढ़ी है, इससे ज्यादा काम चलता है, जो इसके ऊपर टाइल्स लगाता है, कोई रुकाम लगाता है, इसका इसका प्राइस भी ऐसा ही है, जैसा 1,000 का दाम 1,500 है। ये अच्छा है। तो देख सकते हैं इन्होंने, इनके पास तो आप लोगों के पास ये चार टाइप का ब्लॉक बनता है? तो देख सकते हैं मेरे चारों तरफ लगभग बहुत सारा ब्लॉक है, इसमें ब्लॉक का बहुत सारा यहाँ पे स्टॉक करके रखा है इन लोगों ने। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हैं अभी भी बन रहा है। आप लोग यहाँ पे कितना बंदा काम करते हैं, कितना आदमी लगता है काम करने में? इधर तो हमारा मसला बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे भी काम को 10 बंदा 9 बंदा 11 बंदा 12 बंदा लगता है। तो अभी आप लोगों को कोई बंदा चाहिए तो आ सकता है वो यहाँ पे? हाँ, अगर कोई सऊदी में इधर से ही है लोकल आदमी? हाँ, कोई मुश्किल नहीं, कोई सऊदी में अगर नौकरी करे तो अगर उसको नौकरी चाहिए तो इधर नौकरी मिल जाएगा। जैसा ब्लॉक बनने का काम है, या जगह मालूम है कोई, तो डांस खेलता है, डांस मालूम है तो डांस करा सकता है, या फिर पुलिस जो लेमा मार बोलता है ये चलाने वाला है वो भी चाहिए, नहीं तो लाना पड़ेगा जो है वो भी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं। जो काम मालूम है या काम मालूम नहीं है तो हाँ मिलकर काम करने पड़े। तो ये आप लोग का ड्यूटी घंटा कितना टाइम है? ड्यूटी हम लोग का 6 बजे से 5 बजे तक, सुबह 6 से शाम को 5 बजे तक, यानी कि 11 घंटा। 11 घंटा का अंदर 1 घंटा खाना का टाइम निकल जाएगा, आधा घंटा नाश्ता का टाइम निकल जाएगा,
यानी कि 9.5 घंटा आपका ड्यूटी है, 10 घंटा मान के चलिए, 10 घंटा का ड्यूटी है। और ये पगार वगैरह कैसा, बढ़िया है? पगार अगर तो जो लेमामा चलाएगा उसका 2000 टन का है, जो डाक चलाएगा उसको सबका 1800-2000 ऐसा हो सकता है। कोई लेबर में आए तो उनका सैलरी? लेबर में आएगा तो जैसे एकदम कोई काम मालूम नहीं है खास करके तो उसको 1500 इतने हो सकता है। अगर पलाना फलटा है उसको भी 2000 टन का हो सकता है। प्लांट ऑपरेटर इधर इधर है, अगर काम मालूम है तो, अगर काम मालूम नहीं है तो वो लेबर कर देता है। तो दोस्तों इनका नंबर दे दूंगा, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है काम के लिए तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। चलो भाई साहब शुक्रिया।